भाई एक सीन हो गया था, 25 लोग उड़ाए होंगे कम से कम, 20-25 लोग। बुला ली पुलिस। इन्होंने 2-3 लड़के मार दिए भाई, इन्होंने कई लोग मेरे हिसाब से 10-15 आदमी मारे इन्होंने आज। हाँ इसी रोड पे सारा पीछे से भाई बहुत सारे आदमी मारे इन्होंने आज। अरे मैंने मेरी गाड़ी का टेंशन मत लो भाई तुम। भाई इन्होंने बहुत बुरा हाल करा, इन्होंने बहुत लोग मारे आज भाई। वो ठीक है लड़का जो पीछे मारा, एक ही गाड़ी उड़ा दी, एक ही आंटी उड़ा दी, तो बहुत बुरा टक्कर मारा, ये गाड़ी उड़ा दी, ये इधर एक ही गाड़ी उड़ाई। मैं भी बच गया धीरे, बहुत बाल बाल बचा भाई, मैं तो साइड में रोक के खड़ा हो गया। पकड़ लिया उड़ा दी इन्हें। ये मान लो 200 मीटर से ये खंबे में मारी, इधर भी उड़ाए 2-3 लोग इन्हें। एक तरफ से उड़ाता हुआ ले गया, भाई यहाँ तो नहीं लगी किसी के, इनके भी लगी। अरे यार बच्चे भी उड़ाया, पकड़ लिया भाई साहब को चोट लगी क्या? इन्हें ले जाओ भाई हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ बैठे हुए थे, ये बैग किसका भाई? ये कितनी दूर पहुँच गया घर वाला है? यहाँ कोने में वो लग रही भीड़ भाई, बहुत ही मतलब डिजास्टर था ये एक तरफ। अरे आराम। तो ये हमारे घर के पास का ही वीडियो है, और ये ना प्राची बाजार गई हुई थी, और जैसे इसने घर में एंटर किया है ना, तो बाहर गली में ये सब हो गया। इसी ने मुझे बताया कि 5 मिनट में ना चाची बाहर भीड़ लग गई। लॉज हाउस का वीडियो है, मैं थोड़ी दूरी पर रहती हूँ, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर से। तो ये वीडियो तो और बहुत ही दुख भरी बात है ये जो भी हुआ, और एक ना डर सा भी लग जाता है कि आप ना गली के बाहर भी सेफ नहीं है। तो बच्चों को तो बस छोड़ना ही नहीं चाहिए, कहीं बच्चे भी ना इन्होंने घायल कर दिए, कोई नशा करके चला रहा था गाड़ी और कहीं लोगों को उड़ा दिया। तो बहुत दुख वाली बात है, और बस सब अब देखो क्या होता है, पुलिस ने एक्शन क्या लेगी, पर जिसका लॉस हो जाता है ना वो तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चलाने वाला गाड़ी है उसने तो नशा किया चला दिया, सजा हो गई। पर जिन लोगों जो लोग अपने को चोट लगी है, या कुछ लोगों को ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे तो पता नहीं कि अब इन्होंने जान से भी किसी को मारा है कि क्या नहीं, क्योंकि अभी की कल की ये बात है। वीडियो में भी थोड़ा सा मैं 1-2 दिन बाद इसको डालूंगी। तो यही है कि अभी की बात है, तो मुझे पता नहीं है कि कितने लोग इन लोगों ने मारे हैं, क्या किए, तो उसकी तो कोई भरपाई कर नहीं सकता, और बहुत दुख भरी बात है। तो वीडियो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रही थी कि हमारे घर के पास ही इतना बड़ा हादसा हो गया, गली के बाहर ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, मेरा ब्लॉग का चैनल है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हो आपसे नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।